हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे बैंकिंग अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अभी क्या है, हाल ही में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी सारे बैंक का जो शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिसके हिसाब से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 फरवरी को 1 लाख करोड़ को पार की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैज़ बिकम द 5th पब्लिक सेक्टर बैंक टू सरपास 1 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन विथ इट्स शेयर सोरिंग ओवर 22%। IOB है ज्वाइन द लिस्ट ऑफ पीयर लाइक इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद 5th बैंक बना है। द स्टॉक हिट अप 14-ईयर हाई ऑफ ₹55.6 अ शेयर एंड गेन एज मच एज 5% इंट्राडे, टेकिंग इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1,03,000 लाख करोड़ ऑन February 2। तो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि 5वें नंबर पे है इंडियन ओवरसीज़ बैंक इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे 5.8 लाख करोड़ के साथ में, फिर इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक 1.33 लाख करोड़ एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.1 लाख करोड़ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। एंड यहाँ पे आप टॉप 5 PSU देख सकते हो इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट पे है SBI, सेकंड पे है PNB, थर्ड पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ है UPI एंड फिफ्थ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिन्होंने 1 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार किया है। अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज़ का बिजनेस प्राइस काफ़ी सारे बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंकों से पीछे हैं, लेकिन टर्म टॉप इन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे बात करें तो वो टॉप 5 PSU में है। थैंक यू दोस्तों।